हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल मैगजोन पर। आज हम लोग अपना थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर फोर्थ मॉड्यूल कवर करेंगे। आज 4th of April है और इस ये भी लेसन हम लोग का अराउंड 50 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो जैसे पहले हम लोग ने चलाया था लेसन अपना, वैसे ही लेसन सारे चलेंगे। आप लोग नोट्स को परचेज कर लीजिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, और अगर कोई भी डोनेशन देना चाहता है हमारे चैनल को तो वो भी दे सकते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लास्ट टाइम पे हम लोग अपना थर्मोकपल पढ़ लिया था, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें पढ़ना है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर पढ़ेंगे। ऑलराइट, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक मान लीजिए आपका बल्ब ऐसा है, ठीक है, वो दूसरे ऐसे बल्ब से कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरे ऐसे बल्ब से हमारा ये कनेक्टेड है, और ये हो गया। यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेशर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट। और यहां पर मेरा कोई गैस मॉलिक्यूल है, ये मेरा रिजिड कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा रिजिड कंटेनर हो गया। रिजिड कंटेनर का मतलब है कंटेनर एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं करेगी। तो लिख लेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपको पता है गैस इक्वेशन क्या होते हैं, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी हमारी इक्वेशन होती है। तो वॉल्यूम अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो मैं कर दूंगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर को मैं क्या लिख सकता हूं, पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू, ये लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 जो होगी हमारी इक्वेशन, हम लोग यूज करेंगे किसके केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर के केस में, ठीक है। सबसे पहले हमें थर्मामीटर को उस जगह पर रखना होगा, ठीक है, जहां का टेम्परेचर हमें नोन होगा, ठीक है, जहां का टेम्परेचर हमें नोन होगा, ठीक है। उसके बाद हम वहां पर रखेंगे जहां का टेम्परेचर हमें निकालना होगा, ठीक है। तो जहां पर टेम्परेचर नोन होगा उसी करस्पॉन्डिंग P1 मिल जाएगा, ठीक है, जहां का टेम्परेचर निकालना है वहां का प्रेशर आपको नोन है, तो वहां से T2 आप इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो मेन इक्वेशन हम लोगों ने यूज करी है कांस्टेंट वॉल्यूम करके P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, ये इक्वेशन हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, नेक्स्ट यहां पर पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर में हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर में क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए ये है आपका एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, मेरा जो पिस्टन है वो इनिशियली वन पोजीशन पर था, ठीक है, फिर आ गया टू पर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर, इसे हीट कर रहे हैं, यहां पर हम धीरे धीरे हीट कर रहे हैं। तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, वो सब क्या करेंगे हमारे, एक्सपैंड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकेंड प्लेस है। अगर फर्स्ट प्लेस के लिए मैं अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं, मान लीजिए ये मेरे पिस्टन का एरिया है ए, इसका वजन है mg, ठीक है, पिस्टन का वजन कितना है mg, ठीक है। इनिशियली जो हमारा प्रेशर यहां पर लग रहा है, जो हमारी गैस यहां पर प्रेशर लगा लीजिए, मान लीजिए p1 है, फाइनली प्रेशर हो गया p2, p1 है, फाइनली प्रेशर हो गया यहां पर हमारा P2, तो यहां पर लिखेंगे, और P0 क्या है हमारा, P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले लिखेंगे नीचे लगने वाले फोर्सेस, तो जाएगा P0, तो प्रेशर हो गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया फोर्स जो कि नीचे लग रहा है, प्लस mg, दिस इज इक्वल्स टू ऊपर लगने वाला फोर्स P1A। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है, P1A is equals to P0A plus mg। अब देखेंगे दूसरी जगह पर,
दूसरी सिचुएशन पे अगर हम अपनी इक्वेशंस लिखें, आई होप की ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले नीचे लगने वाला प्रेशर पी नॉट ए प्लस एम जी ये कितने के बराबर हो जाएगा, पी टू ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप दोनों को देखें, वन और टू को कंपेयर करें, वन और टू को कंपेयर करें तो पी वन बराबर पी टू हो जाएगा, पी वन बराबर पी टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, यहां से क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपसे बोला गया कि पिस्टन आपका डेल्टा एक्स से ऊपर गया, कितने से गया, डेल्टा एक्स से, तो कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई होगी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेल्टा एक्स इंटू एरिया, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, इतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई होगी, ठीक है, इतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई होगी, कितना वर्क डन हो गया। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखिएगा, अगर ऊपर कोई भी स्प्रिंग नहीं लगाई गई है, अगर कोई भी स्प्रिंग हमने यहां पर या सॉरी मान लीजिए स्प्रिंग लगा दी, या अभी देखते हैं जब सिंप्लीफाइड केस देखेंगे फिर कॉम्प्लेक्स केस देखेंगे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, ये आपको दे देगा और एरिया आपको पता होगा, तो आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम कितना यहां से डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर को कैलिब्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिलेंडर की हम लोग क्या कर देंगे, कैलिब्रेशन कर देंगे, तो यहां नोट कर लेंगे कैलिब्रेटेड सिलेंडर, ठीक है, सिस्टम मतलब सिलेंडर को हम लोग यहां पर कैलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर को हम लोग यहां पर कैलिब्रेट कर लेते हैं और उस कैलिब्रेशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग अपनी रीडिंग्स को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है यहां पर कांस्टेंट है, तो अपनी इक्वेशन लगाएं पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी, ठीक है, तो प्रेशर तो हो गया कांस्टेंट, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हो वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, वी वन अपॉन टी वन बराबर वी टू अपॉन टी टू, ठीक है। तो यहां पर जो हम कैलिब्रेशन करेंगे वो किसके टर्म्स में कैलिब्रेट करेंगे, डिफरेंट वॉल्यूम्स के टर्म्स में लिखेंगे, कैलिब्रेटेड सिलेंडर विथ डिफरेंट वॉल्यूम्स, विथ डिफरेंट वॉल्यूम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चीज, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, ठीक है। ये हो गया मेरा कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट करने वाली ये है, चाहे कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर हो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर हो, दोनों ही में वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, एक आइडियल गैस यूज करते हैं, ठीक है, दोनों में ही वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस क्या है हमारे, आइडियल गैस हो सकती है जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटसेट्रा, इनको हम लोग क्या मान लेते हैं, आइडियल गैस। एक तरीके से आइडियल गैस का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपकी गैस है, जितना वर्क डन किया उतनी ही हीट निकाल ली, या सॉरी आई एम सो सॉरी सो सॉरी, जितना हीट दिया उतना ही वर्क डन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कोई भी लॉसेस नहीं हुए यहां पर, नो लॉसेस, कोई लॉसेस नहीं है, जितना हीट देंगे उतना ही वर्क डन निकाल लिया। तो यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, ये गैस कैसी है, आइडियल गैस, और हम लोग अपनी एनालिसिस के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन को आइडियल गैस मान लेते हैं, ठीक है। वी समटाइम्स अज्यूम दैट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर वॉट, दे आर आइडियल गैसेस, ठीक है। तो यहां पर जो यूज कर लेंगे कौन सा है, फॉर्मूला वी वन अपॉन टी वन बराबर वी टू अपॉन टी टू, और कांस्टेंट प्रेशर में क्या यूज करेंगे, पी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू अपॉन टी टू। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही थर्मामीटर्स में आइडियल गैस को यूज कर लेंगे,
ठीक है। और आइडियल गैस जो थर्मामीटर्स होते हैं वो आपका इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि कौन सी आइडियल गैस यूज करी है, ठीक है। आइडियल थर्मामीटर्स हमारे इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि आपने कौन सी आइडियल गैस ली है, ऑक्सीजन ली है या नाइट्रोजन ली है, ये उसको मतलब नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा इस चीज से, ठीक है। यहां पर एक और नोट पॉइंट है, हम जो थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर और टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर लेंगे, हमेशा प्रेशर एब्सोल्यूट में लेंगे, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, प्रेशर एब्सोल्यूट में लेंगे, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे यहां पर, ठीक है। प्रेशर एब्सोल्यूट आपको पता है पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी गेज प्लस पी एटमोस्फेरिक, तो आपको गेज प्रेशर दिया रहता है, मान लीजिए कितना है 10 mm ऑफ Hg, ऐसे दिया हुआ है, तो क्या करोगे इसको, गेज प्रेशर कितना हो जाएगा 10/1000, एच रो कितना होता है मरकरी का 1300 और जी को लगभग 10 मान लो, 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया 1360 पास्कल। और आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, नहीं दिया होगा तो याद रखें 101.325 किलो पास्कल, तो ये किलो पास्कल में कितना हो जाएगा 1.36 किलो पास्कल, ठीक है। दोनों को कर दो ऐड, 101.325 प्लस 1.360 5, 8, 6, 2, 102.685 किलो पास्कल क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो प्रेशर हमेशा किसमें लेंगे एब्सोल्यूट में, और टेम्परेचर किसमें लेंगे केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा किसमें लेंगे केल्विन में, अगर मेंशन्ड नहीं है तो भी, ठीक है, मेंशन्ड नहीं है तो भी हम लोग हमेशा क्या लेंगे प्रेशर को हमेशा एब्सोल्यूट में लेंगे, ठीक है। मान लीजिए टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा 273 प्लस 27 से हो गया 300 केल्विन, तो हमेशा उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट कर लेना और आपका प्रेशर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कुछ टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। देखिए आप लोग क्या करें, अभी वीडियोस जो देख रहे हैं 5-6 लोग, इनको एज अ स्टोरी देखें, ठीक है, फिर बाद में फिर से वीडियो देखें और अपने नोट्स बनाएं। और अगर नोट्स बनाने का मन नहीं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से ऑर्डर को प्लेस कर दीजिएगा, आपके घर पे नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगला यहां पर हम लोग देखेंगे टेम्परेचर स्केल, ठीक है, क्या देखेंगे टेम्परेचर स्केल्स। ये चीज वैसे मैं अपने फिजिक्स में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। मान लीजिए मेरा डिग्री फारेनहाइट है और ये मेरा डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर स्टैंडर्ड दो पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, एक होता है आइस पॉइंट, एक होता है मेरा स्टीम पॉइंट। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, मतलब आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, और जिस पॉइंट पर स्टीम का फॉर्मेशन होगा उसे स्टीम पॉइंट बोलेंगे, कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिग्री फारेनहाइट पे ये हो जाता है 32 डिग्री फारेनहाइट और ये जाता है 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि फारेनहाइट स्केल पे आइस पॉइंट 32 होता है, स्टीम पॉइंट 212 होता है, और डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस पॉइंट 0 होता है और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, ये हो गया। मतलब यहां कितना डिग्रीज का चेंज है, 180 डिग्री फारेनहाइट का, यहां कितने का चेंज है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री फारेनहाइट का जो चेंज है फारेनहाइट स्केल पर
दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज ऑन द डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। यहां पर 180 डिग्री का चेंज जो है वो 100 डिग्री के चेंज के बराबर है, या ऐसा भी कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज 180 डिग्री सेंटीग्रेड के 180 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है, या कह दें 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज 18 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है, या कह दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज 1.8 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिग्री सेंटीग्रेड पे एक डिग्री का चेंज फारेनहाइट की स्केल पर कितने का चेंज रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। जिसको ये ना समझ में आए वो क्लास फिफ्थ में जाकर वापस से एडमिशन ले ले, ठीक है। जिसको ये चीज ना समझ में आए वो क्लास फिफ्थ में जाकर वापस से एडमिशन ले ले, और वहां पर शुरुआती में पढ़ाया जाता है यूनिट्री मेथड। क्या पढ़ाया जाता है? यूनिट्री मेथड, ठीक है। वहां पर क्या पढ़ाया जाता है? यूनिट्री मेथड। तो वहां पर पढ़ ले फिफ्थ क्लास में और फिर आकर यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिए, यहां क्वेश्चन कैसा बनेगा। मान लीजिए एक स्केल है अननोन स्केल डिग्री एन, क्या है यहां पर? डिग्री एन। डिग्री एन का मैंने कहा आइस पॉइंट है 400 डिग्री एन और स्टीम पॉइंट है 300 डिग्री एन, ठीक है। कोई डिग्री एन स्केल है, हमें नहीं पता हो क्या है, उसका आइस पॉइंट 400 डिग्री एन है और स्टीम पॉइंट 300 डिग्री एन है, और हमारी डिग्री सेंटीग्रेड का तो आपको पता ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड का कौन सा टेम्परेचर, सॉरी डिग्री एन का कौन सा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के या 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। क्या पूछा? डिग्री एन का कौन सा टेम्परेचर डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, ठीक है। लिख देता हूं, व्हाट टेम्परेचर एट डिग्री एन इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। चलिए इस क्वेश्चन को हमें यहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें यहां पर सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक रिलेशन डायरेक्ट याद रखिए, टी माइनस टी आई अपॉन टी एस माइनस टी आई ऑन डिग्री एन बराबर टी माइनस टी आई अपॉन टी एस माइनस टी आई ऑन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या है? टी माइनस टी आई अपॉन टी एस माइनस टी आई ऑन डिग्री एन स्केल बराबर टी माइनस टी आई अपॉन टी एस माइनस टी आई ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। ये आप लोग रिलेशन याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, सब चीजें अपने इस फॉर्मूले में लिख लीजिए। टी आई क्या है? आइस पॉइंट। टी एस क्या है? स्टीम पॉइंट, ठीक है। चलिए यहां से देखें, टी यही आपको निकालना है, ये हमें नहीं पता, व्हाट टेम्परेचर एट डिग्री एन माइनस टी आई, आइस पॉइंट इसका 400 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 400, दिस इज इक्वल टू टी, कितना दिया हुआ है टी 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस आइस पॉइंट क्या है 0 अपॉन 100 माइनस 0, ठीक। टी निकाल लेंगे, हाँ जी निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, तो हो जाएगा टी माइनस 400 दिस इज इक्वल टू 30 इंटू माइनस 100 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया तो आ गया टी माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 30, तो टी कितना हो जाएगा माइनस 30 प्लस 400 जाएगा 370 डिग्री एन, 370 डिग्री एन। ये हो गया आपका आंसर। रिलेशन क्या है? टी माइनस टी आई इज इक्वल टू टी एस माइनस टी आई ऑन डिग्री एन स्केल, दिस विल बी इक्वल टू टी माइनस टी आई अपॉन टी एस माइनस टी आई ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। तो ये टेम्परेचर अननोन है, यही टेम्परेचर क्या है? अननोन है। ये टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है,
फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। डिग्री सेंटीग्रेड को हटा के फ़ारेनहाइट लगा दो, तो फ़ारेनहाइट लगाओगे तो यहां पर आ जाएगा 32, यहां पर आ जाएगा 212, बस इतना ही चेंज हो पाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये है हमारी टेम्परेचर स्केल्स जो होती हैं, आर्बिट्ररी होती हैं, मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, कभी फिक्स नहीं होती। ठीक है, और यहां पर एक बात याद रखनी है जो बता चुका हूं, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऑफ वाटर 0.61 किलो पास्कल, 0.61 किलो पास्कल। ठीक है, 0.61 किलो पास्कल। लिख लीजिए। और एक और पूछा जा सकता है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अभी तक कितना हम लोग अचीव कर पाए हैं। ठीक है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हम लोग अभी तक कितना अचीव कर पाए हैं, तो इसको लिख लीजिए 10^-10 केल्विन सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जो अभी तक हम लोग अचीव कर पाए हैं। इज द लोएस्ट टेम्परेचर विच हैज बीन अटेंड। ठीक है, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर विच हैज बीन अटेंड। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे एक प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ देखने वाले हम लोग यहां पर। ठीक है, एक प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ देखने वाले हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ यहां पर हम लोग देखेंगे, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, मान लीजिए मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करूंगा, तो तीनों पॉइंट से टेम्परेचर में डिक्रीज करना शुरू करूंगा, और तीनों पॉइंट कहां पर आके कन्वर्ज करेंगे, एक ही पॉइंट पर आकर तीनों कन्वर्ज कर जाएंगे। ठीक है, ये तीनों आकर एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएंगे। ये पॉइंट है -273.15 केल्विन। ठीक है, सॉरी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है 0 केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है 0 केल्विन। ठीक है, और लगभग यहां कहीं होगा 273.16 केल्विन। ये होता है क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज नथिंग बट द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्टीम पॉइंट है। ये कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो 273.16 या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम लोग जब स्टीम पॉइंट से घटाते घटाते कहां तक ला पाएंगे, 0 केल्विन तक। ठीक है, क्या कहां तक ला पाएंगे, 0 केल्विन तक। 0 केल्विन तक ही क्यों आएंगे, क्योंकि इसके पीछे इसलिए नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि यहां सबकी सब मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, हियर ऑल दी, जो 7-8 लोग देख रहे हैं लिख लीजिए प्लीज, हियर ऑल दी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सीजेस, सारी की सारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी यहां पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर मोशन, सबका सब यहां पर क्या आकर खत्म हो जाएगा।
तो इसीलिए इसको क्या कहा है, जीरो केल्विन कहा है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ट्रिपल पॉइंट इज 273.16 केल्विन। लिख लिया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 केल्विन इज 1/273.16 ऑफ टीटीपी। टीटीपी मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो 1 केल्विन को ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि 1 केल्विन इज 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 पार्ट जो है ये हो गया मेरा 1 केल्विन। तो इस तरीके से भी हमने अपने केल्विन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पर सारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, सारा मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सीज कर जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट ग्राफ। और हमारे केल्विन स्केल को सिंगल पॉइंट टेम्परेचर स्केल भी बोला जाता है, सिंगल पॉइंट टेम्परेचर स्केल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने रेफरेंस माना है उसको, एक ही पॉइंट को रेफरेंस मान के हमने अपनी ये स्केल बनाई है। तो केल्विन स्केल का रेफरेंस पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, केल्विन स्केल का आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या है आपका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट स्केल भी बोल देते हैं, सिंगल पॉइंट रेफरेंस स्केल। क्योंकि यहां पर हमने किसको रेफरेंस माना है, यहां पर हम लोगों ने अपने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस मान लिया है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम लोगों ने यहां पर अपना रेफरेंस मान लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिपल पॉइंट के बारे में, 0 केल्विन के बारे में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग शुरू करेंगे एनर्जी एंड इट्स इंटरैक्शन। नेक्स्ट यहां पर शुरू करेंगे एनर्जी एंड इट्स इंटरैक्शन, एनर्जी और उसका इंटरैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। यहां पर हम लोग इंट्रोडक्टरी तो चीजें देख ही चुके हैं कि एनर्जी क्या है और कैसे उसका इंटरैक्शन होगा। देखिए, कोई भी जो एनर्जी होगी वो कैसे इंटरैक्ट कर पाएगी, ठीक है, वो कैसे इंटरैक्ट कर सकती है। एनर्जी कैन इंटरैक्ट इन टू मेन मेथड्स या टू मेन एस्पेक्ट्स हैं एनर्जी के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारी एनर्जी है एक्चुअली वो दो चीजों से मिलकर बनी है या दो एस्पेक्ट से मिलकर बनी है। एक होगा माइक्रोस्कोपिक, एक होगा मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, एनर्जी हमारी दो एस्पेक्ट से मिलकर बनी है, एक है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में आपकी आती है इंटरनल एनर्जी। क्या आती है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपकी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स पोजेस करेंगे जिसकी वजह से वो हमेशा रैंडम कंटिन्यूअस मोशन करते रहेंगे। ठीक है, वो हो गए इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चार टाइप्स की होती है, इंटरनल एनर्जी आपकी चार टाइप्स की होगी। एक होगी सेंसिबल एनर्जी, ठीक है, एक होगी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, एक होगी आपकी लेटेंट एनर्जी और एक होगी आपकी केमिकल एनर्जी। ठीक है, एक होगी आपकी केमिकल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मेनली आपकी चार टाइप्स ऑफ एनर्जीज से बना होगा या चार टाइप्स ऑफ एनर्जीज को एनकम्पास करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैक्रोस्कोपिक में क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक वो होगी जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बल्क मोशन की वजह से होगा। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक जो हमारी एनर्जी होगी
इट विल बी बिकॉज ऑफ द बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मेनली होगा बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से. तो बल्क मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से जो हमारी एनर्जी है दैट इज मैक्रोस्कोपिक, इसमें दो टाइप की एनर्जी आ जाएगी फिर से. कौन कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. क्या क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. क्या क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो गई. तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अपना मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट विल बी कॉल्ड एज द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एनर्जी और लेटेंट एनर्जी? देखिए, केमिकल एनर्जी और लेटेंट एनर्जी में आपको डिफरेंस बता देता हूं. जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव. ठीक है, अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है फिर किसी दूसरे के साथ अटैच्ड होगा. ठीक है, इस तरीके से होता है. ठीक है, तो दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होगी क्या? केमिकल एनर्जी. ठीक है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए वो होगी लैटेंट एनर्जी. ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए केमिकल एनर्जी और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए लैटेंट एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, लैटेंट एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, तो एनर्जी जो है वो दो फॉर्म्स में बनी होगी, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक. तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी होगी मेनली, जो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है जिसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में होते हैं. ठीक है, और यहां पर इसको फर्दर डिवाइड किया है सेंसिबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लेटेंट और केमिकल एनर्जी में. और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू बल्क, मतलब ये क्या होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द बल्क मोशन. ये हमारे मॉलिक्यूल्स के बल्क मोशन की वजह से होगी. जैसे हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, ये अपने मोशन के कारण होगी और ये अपने ओरिएंटेशन के कारण होती है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स ओरिएंटेशन. ठीक है, वो कैसे रखा हुआ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कौन कौन से फॉर्म्स में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इन विच फॉर्म द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड. देखिए, एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो मेनली तीन फॉर्म्स में हो सकता है. एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो मेनली तीन फॉर्म्स में हो सकता है. पहला फॉर्म क्या होता है? हीट. हीट के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर कराया जा सकता है. दूसरा है वर्क या फिर फोर्स. और तीसरा क्या फॉर्म हो सकता है? मास. ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हीट के फॉर्म में हो सकता है, मास के फॉर्म में हो सकता है, वर्क के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, ये हो गया. अब जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे. मान लीजिए ये मेरे पास एक बैटरी है. ठीक है, इसको मैंने क्या माना? ए. ठीक है, बैटरी है मेरी ये, और इस बैटरी से हम लोग एक कनेक्शन करके मोटर को दे रहे हैं. ठीक है, इस बैटरी से कनेक्शन करके हम लोग एक मोटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटर M. ठीक है, और इस मोटर में लगा हुआ है एक शाफ्ट. और शाफ्ट जो है आपका एक वेट को उठा रहा है, W को. समझ में आया? सिंपल सा केस है यहां पर. अब सिर्फ अपने बैटरी की बात करूं, सिर्फ बैटरी को अगर मैं सिस्टम मान रहा हूं, तो इस सिस्टम को मैंने कह दिया A. ठीक है, बैटरी को अगर मैं सिस्टम मान रहा हूं, इस सिस्टम को मैंने कह दिया ए. ठीक है, उसके बाद मैं
मान लीजिए अपने मोटर प्लस बैटरी को सिस्टम मान रहा हूं, मोटर प्लस बैटरी को सिस्टम मान रहा हूं, उसको मैंने कह दिया बी, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं पूरे को ही सिस्टम मान रहा हूं, मतलब मोटर प्लस बैटरी प्लस ये शाफ्ट, ठीक है, इस पूरे को मैंने सिस्टम माना, कह दिया सी। तो ए वाला सिस्टम कौन सा है, सिर्फ बैटरी, ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है, बैटरी प्लस मोटर हो गया आपका सिस्टम बी, बैटरी प्लस मोटर हो गया आपका सिस्टम बी, और बैटरी मोटर और वेट तीनों मिला के हो गया आपका सिस्टम सी। इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसका क्वेश्चन बताऊंगा कि मुझे क्या पूछना है इसमें, ठीक है, बना लीजिए इसे। एक बैटरी है, एक मोटर है, और मोटर से जुड़ी एक शाफ्ट है, शाफ्ट से जुड़ा एक वेट है, तो मोटर रोटेट करेगी तो उसकी जो रस्सी है जो वेट से जुड़ी हुई है वो शाफ्ट में क्या हो जाएगी, आके लिपटती जाएगी, और इस तरीके से वेट आपका ऊपर उठ जाएगा, इस तरीके से वेट आपका ऊपर उठ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। अब मेरा सवाल ये है अगर मैं ए की बात करूं, सिर्फ मैं ए की बात करूं, या सिर्फ मैं बी की बात करूं, या सिर्फ मैं सी की बात करूं, कहां पर वर्क डन होगा और कहां पर वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर ए को सिस्टम माना है तो क्या वर्क डन परफॉर्म करेगा हमारा सिस्टम, ठीक है, बताइए। कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। अगर मैंने अपने ए को सिस्टम माना है तो क्या मेरा सिस्टम वर्क डन परफॉर्म कर रहा है, इज माई सिस्टम परफॉर्मिंग एनी वर्क, ठीक है, आंसर क्या होगा, जी हां वर्क डन कर रहा है, और कौन करेगा, बैटरी वर्क डन यहां पर करेगी। इस पर वर्क डन कर रही है सराउंडिंग पर, इसके लिए सराउंडिंग क्या है, मोटर और ये शाफ्ट दोनों ही से क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए, तो ए आपका वर्क डन करेगा, कौन करेगा, बैटरी। बी की बात करें, बी की बात करें ठीक है, बी की बात देखो, ये जो वर्क डन है उसकी वजह से ही तो आपका मोटर क्या कर रहा है, चल रहा है, और वर्क डन किसके फॉर्म में हो रहा है, ईएमएफ के फॉर्म में, तभी तो आपकी मोटर ऑपरेट हो रही है। बी क्या हो जाएगा, बी भी वर्क डन परफॉर्म करेगा, बी विल ऑल्सो परफॉर्म वर्क, बी आपका वर्क डन परफॉर्म करेगा, क्यों करेगा, ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि मोटर के कारण ही, मोटर अगर आपका सिस्टम मानो तो शाफ्ट क्या हो गई, इसकी सराउंडिंग हो गई, तो शाफ्ट पे वर्क डन हो रहा है कि नहीं, तभी तो ये ऊपर आएगा। अच्छा सी माने, सी मतलब पूरा का पूरा सिस्टम मान ले, अगर हम पूरा सिस्टम मान ले तो यहां पर वर्क डन आपका नहीं होगा, वर्क डन यहां पर आपका नहीं होगा, ठीक है, वर्क डन आपका यहां पर नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम से तो सराउंडिंग में कोई चीज एनर्जी नहीं जा रही ना, जब जब एनर्जी का इंटरैक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे वर्क डन होगा। अब देखो ए को सिस्टम माना तो ए से ईएमएफ या करंट निकल के बी में जा रहा है तो मतलब वर्क डन हो रहा है, बी को अगर माना तो शाफ्ट, ये जो मोटर है इससे मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी जा रही है कहां, शाफ्ट में, और ये फिर इसकी रोलिंग ऐसे हो रही है, यहां पे ऐसे रोल होता जाएगी रस्सी और ये ऊपर उठता जाएगा, तो मतलब यहां पर भी वर्क डन हो रहा है। लेकिन सी को अगर पूरे सिस्टम को मानो तो हमारे सिस्टम से सराउंडिंग में तो कुछ भी एनर्जी नहीं इंटरेक्शन हो रहा ना, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, यहां पर वर्क डन जाएगा जीरो, ठीक है,
यहां पर वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो दोस्तों 7 तारीख को हमारा लाइव सेशन आएगा जहां पर सबसे पहले मैं आपको अपना लाइव टूर कराऊंगा पूरे घर का और इलाहाबाद में मेरे घर से क्या क्या चीजें दिखती है वो सारी चीजों का। उसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे लगभग आधे घंटे का, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क। यहां पर अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क। साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क, साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क। क्या साइन कन्वेंशन होंगे? मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है। सिस्टम में अगर मेरी हीट इनपुट की जाएगी, इफ द हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है, अगर हीट मेरी सिस्टम को सप्लाई की जा रही है तो उसकी वजह से मेरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हीट जो सप्लाई करेंगे उसको लेंगे पॉजिटिव से, ठीक है, हीट जो सप्लाई करेंगे उसको लेंगे पॉजिटिव से। हीट जो रिजेक्ट होगी, क्यू रिजेक्टेड, इसको ले लेंगे किससे, नेगेटिव से। जो रिजेक्ट करेगी हीट उसको ले लेंगे नेगेटिव से। मान लीजिए 10 जूल ऐड हुआ तो 10 जूल को लिख लेंगे प्लस 10, और 10 जूल रिजेक्ट हुआ तो लिख लेंगे माइनस 10 जूल। तो हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया मेरा साइन कन्वेंशन फॉर हीट, ठीक है, ये हो गया मेरा साइन कन्वेंशन फॉर हीट। अब मान लीजिए मेरा सिस्टम है, अब मान लीजिए जो मेरा सिस्टम है ये वर्क परफॉर्म कर रहा है, ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर ये वर्क करेगा तो लिखेंगे वर्क डन बाय सिस्टम, और इसे लेंगे पॉजिटिव कन्वेंशन के साथ, ठीक है, इसे लेंगे पॉजिटिव कन्वेंशन के साथ। और अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो लिखेंगे डन ऑन द सिस्टम को किससे लेते हैं, नेगेटिव से। ये नोट डाउन कर लीजिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो जो सिस्टम पर वर्क डन होगा वो नेगेटिव लेंगे, बाय द सिस्टम होगा वो पॉजिटिव लेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये है साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क, ये हो गए साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी कन्वेंशन लेते हैं ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया। तो वहां पर जो कन्वेंशंस हैं हमारे कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, यू कैन अज्यूम एनीथिंग, कोई भी कन्वेंशन आप वहां पर अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, ऑलराइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर कन्वेंशन हमने देख लिए हैं, तो प्रॉब्लम्स में कभी भी अगर दिया हुआ है, ठीक है,
मान लीजिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन देख ले रहे हैं किस पे, 10 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड द सिस्टम रिजेक्ट्स 40 जूल ऑफ हीट, ठीक है, एंड ऑल्सो 150 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो क्या कन्वेंशन लेंगे, सबसे पहले देखिए 10 जूल की हीट एड हो रही है तो लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू प्लस 10 जूल। फिर क्या हो रहा है, 40 जूल की हीट रिजेक्ट हो रही है तो लिखेंगे Q माइनस 40 जूल। तो नेट क्या हो जाएगा, यहां से Q नेट क्या हो जाएगा, Q नेट हो जाएगा माइनस 30 जूल। Q नेट का मतलब है कुल मिला के 30 जूल एनर्जी हमारी निकल रही होगी हीट एनर्जी, ठीक है। ये तो हो गया हीट के लिए कन्वेंशंस। अगला हम लोग देखेंगे वर्क के लिए कन्वेंशन देखेंगे। अगला देखेंगे वर्क के लिए कन्वेंशन देखेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम इज 150 जूल्स। तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दिया होगा तो हमेशा क्या लिखेंगे, हमेशा ही हमेशा हम लोग साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। वी विल ऑलवेज राइट द डेटा विथ साइन, ठीक है जी। चलिए हमेशा हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे, हमेशा कैसे लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट यहां पर हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड मास एनालिसिस। नेक्स्ट यहां पर पढ़ेंगे फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास एनालिसिस। फिक्स्ड मास एनालिसिस का मतलब है हम एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मास को कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसका एनालिसिस, उसका इनफ्लो और उसका आउटफ्लो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, ऐसा मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इनिशियली मेरा पिस्टन यहां पर है, 1 पे है, और मैं क्या कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे मूव कराकर ले जा रहा हूं पिस्टन को 2 तक। तो बहुत धीरे धीरे का मतलब मैं पहले ही कह दूं कैसी प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक। कैसी प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। ये हो गया, तो मतलब यहां से यहां तक जो भी इसका चेंज आया वॉल्यूम में उसको मैं क्या कहूंगा, डीवी। कितना चेंज आया, डीवी। कितना मूव किया होगा, मान लीजिए डीएक्स ये मूव किया होगा, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, जो कितना है ए इंटू डीएक्स, ठीक है। डीएक्स लेंथ ये मूव किया, मतलब बहुत थोड़ी सी लेंथ को मूव कराया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का है ए, तो कितनी वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा डीवी। वॉल्यूम में क्या चेंज आ गया यहां पर, डीवी, ठीक है। ये हो गया, तो वर्क डन क्या होता है आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, तो कितना वर्क डन हो गया, p इंटू ए इंटू dx। कितना वर्क हो गया, p इंटू ए इंटू dx, ठीक है। dx डिस्प्लेसमेंट लाए
और पी जो प्रेशर था वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। पी जो मेरा प्रेशर है वो यूनिफॉर्म प्रेशर, इट इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, मैं बता चुका हूं लास्ट टाइम पे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रहेगा लेकिन कांस्टेंट होगा या नहीं ये चीज हम नहीं कह सकते। तो ये जो वॉल्यूम यहां से यहां तक आई है इसको हम लोग कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। किससे दिखाते हैं, वीएस। किससे दिखाते हैं, वीएस से, ठीक है। तो ये है आपकी स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वर्क डन जो हो गया आप उसको मैं ले सकता हूं पी इंटू वी स्वेप्ट, पी इंटू वी स्वेप्ट, ठीक है। चलिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपका ये जो सिस्टम है मैंने किसको माना, सिस्टम मैंने किसको माना, अंदर कंटेंट गैस मॉलिक्यूल्स को मैंने सिस्टम माना है। तो जब अंदर कंटेंट गैस मॉलिक्यूल्स को मैंने सिस्टम माना तो सिस्टम मेरा कैसा है, ओपन है या क्लोज है। डेफिनेट सी बात है ये मेरा कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड। तो सबसे पहला अजम्पशन होगा सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए। और फिर मैंने बताया बहुत धीरे धीरे इसको खींचा है तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, क्वासी स्टैटिक, ठीक है। तो पहली बात तो क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू पी डी वी। W इज इक्वल टू पी डी वी की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, सिस्टम क्लोज होगा और प्रोसेस क्या हो जाएगी, क्वासी स्टैटिक हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और आपका प्रोसेस क्या हो गई, क्वासी स्टैटिक, ये हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक लिख लीजिए। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग शुरू करेंगे इसी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसी का हम लोग ग्राफ बनाएंगे और इसको आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। बना लीजिए जल्दी से, इसी का ग्राफ हम लोग बनाएंगे और फिर वहां से देखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैक्सिमम शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ, सबको बताएं हमारे चैनल के बारे में। और मेरा रिक्वेस्ट है कि नोट्स परचेज कर लीजिए ताकि आप लोगों को बनाने की दिक्कत ना झेलनी पड़े, ठीक है। और आपके घर पे नोट्स हार्ड कॉपी फॉर्मेट में पहुंचा जाएंगे, ठीक है, पहुंचाएंगे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।